ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सावन के महीने में 5 बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस तरह से 5 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि सावन के महीने में जब हम 5 बेलपत्र समर्पित करते हैं तो भोलेनाथ बाबा उसका लाखों करोड़ों गुना करके हमें पूरे साल में वापस करते हैं। इसलिए सावन के महीने में 5 बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। बेलपत्र कैसे चढ़ाने हैं, क्या है इसके नियम, जानिए। सावन के महीने में 5 जगह बेलपत्री चढ़ाना जरूरी होता है। पहली बेलपत्री नंदीश्वर भगवान को चढ़ाया जाता है। नंदी महाराज जो भगवान शंकर के पास होते हैं या मंदिर के बाहर होते हैं, जहाँ भी हों, सबसे पहली बेलपत्री नंदीश्वर भगवान को चढ़ाइए। दूसरी बेलपत्री भगवान गणेश जी जहाँ शिवलिंग के पास विराजमान हैं वहाँ पर चढ़ाया जाता है। तीसरी बेलपत्री जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है उस हस्त कमल पर चढ़ाना है, माता पार्वती जी का स्मरण करते हुए। चौथी बेलपत्री जलाधारी में चढ़ाना है, जहाँ से ऊपर जो शिवलिंग के ऊपर ये जलाधारी बना होता है वहाँ से पानी टपकता है, चौथी बेलपत्री वहाँ पर चढ़ा देना है। और पांचवी बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पांचवी बेलपत्री जब आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे उस समय बेलपत्री की जो पीछे डंडी होती है वह आपसे विपरीत दिशा में होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से सावन के महीने में आप 5 बेलपत्री भगवान शिव को अवश्य चढ़ाइए, बहुत ही लाभकारी होगा। आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।